बाणसागर नहर के निर्माण में बढ़ती गई लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के नेतृत्व में मोहनिया टनल के पास कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। ज्ञान सिंह ने इस दौरान कहा कि बाणसागर नहर के निर्माण में धांधली हुई है, जिसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर नहर के निर्माण के सभी पहलुओं पर नए सिरे से जाँच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मोहनिया टनल के ऊपर से गुजर रही बाणसागर की नहर फूट गई थी, जिससे उसका पानी टनल के अंदर भर गया। आसपास के किसानों की फसलें खराब हो गई और यातायात अवरुद्ध हो गया था, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बन गई थी। ऐसा बाणसागर नहर के निर्माण भारी अनियमितता और व्यापक पैमाने पर किए गए भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। आज इनके इकट्ठा भर और यह भ्रष्टाचार के जो दृश्य है ये कल से देख रहे हैं। राहुल भैया साहब के फोन आवा कि वन जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का धरना दे चाहिए। बहुत कम समय में कमलेश्वर सिंह जी, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जी और इनके सभी साथी मिलजुल के यह कार्यक्रम के आयोजन हुआ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से। बात एंड खत्म नहीं हो, बात यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय आज जन दर्शन कर निकले रहे और सीधी मां विकास के एक लंबी फहरिस्त जो ने तो जारी करी थी। हम पंचे उनका रास्ता में खड़े हो के और एक ज्ञापन देना रास्ता में खड़े ऐसे हो तो पड़ा बड़े दुख की बात है। लोकतंत्र में सबका अपन बात रखने के अधिकार है, लेकिन जब हम कल कलेक्टर महोदय से समय मांगे अपन आवेदन दी रहे कि मुख्यमंत्री से कांग्रेस के डेलीगेशन 7 सदस्य मिले चाहते हैं। मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में पत्र का और मुख्यमंत्री महोदय समय नहीं दी। जब उनकर यात्रा मधुरू से निकली भूख पूजन के बाद तब एक अधिकारी के फोन आवत है कि अपना पंचायत से कुछ न करब। ये ग्रामीण भारत टीवी के लिए सीधी से रानू पांड्या की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।